हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैच ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक नेम रिएक्शन लेने जा रहे हैं, एक नेम रिएक्शन करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, तो फिटिग रिएक्शन हमारी क्या होती है। अगर हम फिटिग रिएक्शन की बात करते हैं तो फिटिग रिएक्शन क्या होती है, फिटिग रिएक्शन क्या होती है, यानी कि फिटिग रिएक्शन में आपके टू मोल्स एराइल हैलाइड रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल से। टू मोल्स ऑफ एराइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू गिव डाइबेंजीन और बाइबेंजीन, ओके, डाइफिनाइल और बाइफिनाइल एंड सोडियम हैलाइड। तो आइए बताते हैं कैसे कैसे रिएक्शन होगी कि हम इसमें रिएक्शन किसकी करते हैं। ARX जिसे हम एराइल हैलाइड बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन किससे करते हैं, टू मोल से सोडियम के। एक और मोल लेते हैं यहां से किसका, एराइल हैलाइड का, XAR। जो रिएक्शन होगी आपके ड्राई इथर की प्रेजेंस में होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई इथर की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो यहां क्या लिया है हमने, देखिए बच्चों, यहां पर जो लिया गया है आपका, वो लिया गया है एराइल हैलाइड के टू मोल्स। ये भी आपका एराइल हैलाइड है, ये भी एराइल हैलाइड है, ठीक है। एराइल हैलाइड के कितने मोल लिए गए हैं, टू मोल्स लिए गए हैं एराइल हैलाइड के, और उनकी आपस में रिएक्शन कराई गई है किसके साथ, आपस में रिएक्शन कराई गई है ड्राई ईथर के साथ। जब ये ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होती है तो आपका जो सब्सटेंस बनता है वो क्या बनता है, यहां से आपका एक्स निकल जाता है और यहां से भी एक्स निकल जाता है। मतलब दोनों मोल्स जो आपके एराइल हैलाइड के हैं वो क्या देंगे आपको, वो देते हैं यहां से हेलोजन मतलब एक्स देंगे, और सोडियम से रिएक्शन होगी तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा NaX। लेकिन कितने NaX, 2 NaX आपका यहां से बन गया है, 2 NaX, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सोडियम हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम हैलाइड, ये आपका सोडियम हैलाइड बन जाएगा। लेकिन एक और चीज क्या बनेगी, यहां आपका बना AR, सिंगल बॉन्ड AR, इसी को क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल और डाइफिनाइल, बाइफिनाइल और डाइफिनाइल इसको बोला जाता है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या हो रखा है, सबसे पहले हमें यह पता लगे कि ये AR क्या होता है। तो हमारा जो AR होता है, AR का फॉर्मूला होता है C6H5, मतलब एराइल भी बोलते हैं इसको, फिनाइल भी बोलते हैं इसको, बेंजाइल भी बोलते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या होता है, C6H5, यानी कि जो बेंजीन होती है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन कम होता है, बेंजीन से क्या होता है, एक हाइड्रोजन कम होता है। आप लोग जानते हैं अच्छे से कि जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो हाइड्रोजन को की जगह पर क्या लग गया है आपका, कोई हेलोजन लग गया है, एक्स लग गया है, और वहां एक्स लग गया है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया है, एराइल हैलाइड का, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हम, या तो एराइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, या तो हम इसको बोलते हैं एराइल, या इसको क्या बोलते हैं हम, फिनाइल, एराइल या फिनाइल। तो यहां से फिनाइल हैलाइड लेंगे या एराइल हैलाइड लेंगे, और उनकी रिएक्शन जब आप उसमें कराएंगे सोडियम मेटल से ड्राई इथर की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। जैसे हम एक्स की बात करते हैं यहाँ, तो एफ की जगह पर आप एफ सी एल बी आर आई कुछ भी ले सकते हैं, और एफ सी एल बी आर आई को आप क्या बोलते हैं, इनको जनरली बोला जाता है हेलोजन। क्या है ये हेलोजन है। अब देखिए इसी रिएक्शन का हम एक एग्जाम्पल ले लें। सपोज दैट आपने क्या लिया, एक बेंजीन ली, बेंजीन पर क्या लगा हुआ है आपका, बेंजीन पर कोई हैलोजन लगा हुआ है, जैसे मैंने बोल दिया कि यहां क्या लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है सपोज दैट Cl, इसकी रिएक्शन 2Na से करा दें प्लस Cl, और ये किस पर लगा हुआ है, ये भी एक बेंजीन। देखिए पहले ही बता चुके हैं कि दो मॉलिक्यूल लेने हैं, टू मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपको, किसके, एराइल हैलाइड के, ठीक है। तो यहां क्या होगा, यहां से निकल जाएगा NaCl, क्या निकला यहां से NaCl, रिएक्शन वही होगी ड्राई इथर की प्रेजेंस में। तो यहां दोनों की जो दोनों रिंग होंगी बेंजीन की, वो आपस में जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये आपस में जुड़ गई है बेंजीन रिंग, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बाइफिनाइल, और यहां निकल जाएगा 2NaCl, इसी को क्या बोलते हैं हम, बाइफिनाइल। क्या होगा ये बाइफिनाइल होगा, यानी कि इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो बाइफिनाइल होता है। तो ये थी हमारी फिटिग रिएक्शन। बस फिटिग में और बुड्स रिएक्शन में डिफरेंस क्या है,
ये जो फिनाइल फिटिंग रिएक्शन होती है ये किस में होती है, ये एराइल हैलाइड में होती है, और वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं तो वो किस में होती है, एल्काइल हैलाइड में होती है। तो यही था हमारा आज का वीडियो यानी कि फिटिंग रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।